आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि सच में हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 3:3 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमेन। सच में परमेश्वर हमारी हर जगह हमारी ढाल है। वो हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वह हमें लज्जित नहीं होने देता, वह हमें कभी टूटने नहीं देता, वह हमें कभी असफल नहीं होने देता। हमारा परमेश्वर महान है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से दुआ करें। और जितने लोग हमें मैसेजेस करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक में, और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम परमेश्वर से इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि ये सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु हम हर एक को तेरी उपस्थिति में रखते हैं परमेश्वर। जो लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सब की प्रार्थना का प्रभु उन सब की प्रार्थना को लेकर परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ परमेश्वर पिता, कि आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, हर एक की आप सुधि दें प्रभु। और पिता परमेश्वर हर एक की आप ढाल हैं परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार प्रभु आप हर एक के चारों ओर उनकी ढाल हैं, आप हर एक के मस्तक को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं हर एक जन के लिए जो ये प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, दुआ करती हूँ प्रभु कि आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए। आप प्रभु उनके चारों ओर उनके हर एक कार्य में प्रभु उनकी ढाल हो जाइए। प्रभु मैं हर एक जन के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु जो कोई प्रभु अपने कारोबार में प्रभु जी चिंतित है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु कि आप अपने वचन के अनुसार उनकी ढाल हो जाइए प्रभु। आप उनका हर एक क्षेत्र में प्रभु उनका मस्तक ऊंचा करें प्रभु। हर एक परिवार के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक परिवार को आप शैतान की युक्तियों से बचाएं, हर एक नजर से बचाएं प्रभु, हर एक प्रभु टोनों से, हर एक टोने और तंत्र मंत्र की शक्तियों से प्रभु आप हर एक को बचाएं प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा हमारी चारों ओर हमारी ढाल है। सच में प्रभु इस वचन के अनुसार आप हर एक की ढाल बने, हर एक के परिवार को, हर एक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को, बूढ़े तक को परमेश्वर आप परमेश्वर प्रोटेक्ट करें। आप उनकी ढाल हो जाइए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप प्रभु हर एक परिवार में परमेश्वर, हर एक जन के जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु उनकी ढाल बने प्रभु जी। आप प्रभु उन हर एक के परिवार के हर एक जन का मस्तक आप ऊंचा करें प्रभु। आप उन्हें लज्जित होने से बचाएं परमेश्वर, आप उन्हें असफल होने से बचाएं, आप उन्हें निराशाओं से बचाएं, आप उन्हें बीमारियों से बचाएं, आप उन्हें कलेश से बचाएं परमेश्वर, आप उन्हें आने वाले हर एक कर्जे से बचाएं परमेश्वर पिता, प्यारे पिता। क्योंकि आप हमारा सर कभी नीचा नहीं होने देते, आप हमारे मस्तक को हमेशा ऊंचा रखते हैं पिता परमेश्वर। यदि प्रभु कोई प्रभु जॉब सर्च करने जा रहा है पिता, आप उनको पिता परमेश्वर एक गुड अपॉर्चुनिटीज दें प्रभु। आप उनके जीवन में एक अच्छा जॉब दें परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है परमेश्वर। आप हर एक के मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। यदि किसी के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु, उन चिंताओं से उन्हें छुटकारा दे। यदि कोई डिप्रेशन में है प्रभु, आप उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालें पिता। यदि प्रभु समाज में किसी का प्रभु अनादर होता है प्रभु, आप प्रभु उनका आदर करें प्रभु, आप उन्हें आदर दिलाएं, आप उनके मस्तक को ऊंचा करें। यदि प्रभु कोई किसी प्रकार लज्जित हुआ हो अपने जीवन में पिता, आप उन्हें सम्मान दें, आप उनके मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर पिता। प्रभु जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है पिता, आप उनकी ढाल बने, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, और उनके जीवन के द्वारा प्रभु उनके माता पिता का मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, और हर एक की सुधि आपने ली प्रभु, हर एक की प्रार्थना का उत्तर आपने दिया प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।